नमस्कार, मंतव्य को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना। मंतव्य आज प्रसंग होउछि पापी किए मर्डरर किए। ए प्रसंग एथिपाई गतकाली जेतेले बीजेपी विधायक माने नवीन निवास घेराव करबा पई जाउथिले बा नवीन पटनायक को भेटिबा पई जाउथिले, चासिंकर मुद्दा उठिथिला, मंडी समस्या कथा सामना को आसीथिला एवं ए समस्यार समाधान हेबा दरकार, गृह कार्य चली पारु नाई। ए प्रसंग जेतेले सामना को आसीथिला सेतेले मंत्री प्रताप जेनांकर गोटिए स्टेटमेंट भारी विवादीय होई पडिथिला एवं से बयान आज गृह रे मध्य उठाइथिले विरोधी दल नेता। कोन तांकर प्रतिक्रिया थिला, तापर कोन प्रतिक्रिया सामना को आसीथिला बीजेपी तरफ रु प्रथमे नजर पकाइबा, तापर आलोचना को जिबा। ये गोटे पवित्र स्थान मु भाबुछि कि बीजेपी रा विधायक माने नवीन निवास रे पहुंचिले से माने समते पवित्र हे जे से हत्या रे चारि चारिटा हत्याकांड रे संपृक्त अछंती पापी सेना आमे। मंत्री प्रताप जेनांकर बाइट अपन सुनिले, तापरे जयनारायण मिश्रंकर मध्य प्रतिक्रिया सामनाकु आसीथिला, किंतु सेतिकरे थमी जाय नथिला आलोचना बा विवाद। गृहरे मध्य विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक ए प्रसंग उठाइथिले, मंत्री काहीकि एभळि एक बयान कले ताकु नेकि आलोचना आज आमे करिबा एवं पापीर कथा कहुछंती सीए जहाँ विरोध में 302 भळि संगीन दफा लागिछि, ए बाबदे मध्य आलोचना करिबा। आम सहित राज्य पटनायक कांग्रेस कर्मी अच्छा सुब्रत नंद, वरिष्ठ आईनजीवी सोनाली साहू, बीजेपी नेत्री, समस्त को स्वागत करुच्ची अर्गस न्यूज को। सुब्रत नंद, वरिष्ठ आईनजीवी ठार आरंभ करने चाहिए, श्रीजुक्त नंद किभली देखती ए प्रसंग को, जड़े आईन मंत्री जी आईन को सुरक्षा दौंस किंतु आईन तक अलग 302 दफा लगला तदंत परिसरभुक्त होना, पूरा घटन अनेक दाबी सामना को आसी। आज युव कांग्रेस पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन करा जाई छी एवं प्रत्येक दिन राज्य विरोध में नारा आसुची सामना को, तथापि तदंत परिसरभुक्त करा जीवो नाही से पुणी कहिबे पापर कथा। श्रीजुक्त सुब्रत नंद, आपणकर प्रथम प्रतिक्रिया प्रसंग को नहीं के सुनंतु, बिजु बाबू जेतेबेले से नवीन निवास को तांका पुवंग नारे नामित करथले, किंतु काली गोटे नुआ इतिहास सृष्टि कले जिए होचंती अहंकारी एवं जिए होचंती मुदला, से ता ना को परिवर्तन कर देले नवीन निवास हबने पाप नाशक निवास बोली ताकु से कहिले। कारण विभिन्न समय रे से जो भली भाव रे पाप करिछंती निजे जने पापी, सेथिपाई कि से कहुछंती जे से नवीन निवास जो अछि से नवीन निवास रा नाम को परिवर्तन कर दिया जाउ। कारण परिवर्तन करिकिरी बिजु बाबू जो कहिथिले तांका पुंग नारे से निवास को, से निवास को वर्तमान प्रताप जेनांक कथा अनुसार परिवर्तन करिकिरी पाप नाशक निवास करा जाऊ। कारण सी जड़े पापी व्यक्ति एवं अहंकारी व्यक्ति, जेतेबेले जहाँ पाती से तांकर कथा कहती। आप देखु तांकर साधारण सौजन्यता नहीं, संविधान विधि व्यवस्था प्रति जी पूरा पूरी से ताको नहींक्री से कार्यक्रम ग्रहण करिछंती, से विधि व्यवस्था को से प्रत्येक दिन उल्लंघन करती, पाप को नाश करने कि प्रत्येक दिन से तार व्यवस्था करिछंती। महांगा निर्वाचन मंडली को से जेते बेले जानती फेरिकिरी आसंती बाटरे तांकर गोटे घर अच्छी जोड़ी से बसिकिरी तांकर से पाप नाशन करती। महांगार शिशु जो अच्छी शिशु मंदिर महांगा पुलिस स्टेशन पाखरे से पाप नाशन करती। से जड़े पापी व्यक्ति, जेहेतु पापी व्यक्ति सब बड़े से पाप कथा कहिबे एवं जो माने जाइथिले खाली गोटे कृषकर समस्या चाषीर समस्या से समस्या को लेकर जेते सारा राज्य रे वर्तमान गोटाए परिस्थिति सृष्टि होती, धानर अभावी बिक्री होची, विरोधी दल लोक नेता माने जाउछंती देखा करिया को मुख्यमंत्री को विधानसभा सीए कहउछंती ए कथा जेतिकी बड़ कथा नुह, दल ताकु ग्रहण करुची, दल ताकु एक्सेप्ट करुची एवं 302 भली संगीन दफा लागिला परे मध्य मंत्री को तदंत परिसरभुक्त करा जाय नाही, ताकु नेकी आपन को मंतव्य कोन? शुणतु दल वर्तमान चली ब्यूरोक्रेट द्वारा दल रे कौन सी राजनैतिक व्यक्ति माने काम करू नहांती,
ओडिशा राजनीति रे गोटे नुआ अध्याय सृष्टि हेछि। जो अध्याय भितरे तृतीय महलार जो माने अछन्ति प्रशासनिक अधिकारी सेही अधिकारी मानंक द्वारा दल परिचालित होउछि। दल रे राजनैतिक लोक मानंकर कोनोसी गुरुत्व नाही। राजनैतिक लोक माने होउछन्ति एनामआर कर्मचारी एवं सर्वोपरि जो माने राजनीति रे अछन्ति तांकु मेरुदंड विहीन भावे दल व्यवहार करछि। ओके आमे आलोचना करबा जेतो राजनैतिक कथा सामना को आसुछि। राजनैतिक दल रो प्रतिनिधि माने मध्य एठारे अछंती कांग्रेस कर्मी राज्य पटनायक अछंती एवं सोनाली साहू बीजेपी नेत्री अछंती। राज्य पटनायक पाकु जिबा पई चाहिबे श्रीजुक्त पटनायक नवीन निवास आसिले पापद होई जिबो। ये होची पवित्र गृह नवीन निवास को कोन श्रीक्षेत्र बोली मन करुछंती कि एवं पार्टी रे बाड़बता नाही एभले एक स्टेटमेंट देला परे मध्य दल पक्षरु किछि प्रतिक्रिया सामना को आसुनी जहा को साधारण रे विरोध करा जाउछि। शुणु प्रथम कथा हूँ मंत्री प्रताप जेना जो कथा कहिले जे नवीन निवास हूँ एक मंदिर से जो मैंने आसी से पाप धोई तो कौटी ना कौटि सूचाऊँच प्रताप जेना निजे मानुं जे विजु जनता दल रि विधायक जो मैंने से जाने तो पापरे सब कुकर्म भर्ती ही पड़ी से मानकर करप्शन चार्जेस हो से मानकर इनडायरेक्टली रेप जो मैंने करुछन्ति से मानक प्रति समर्थन हो किंबा मर्डर केस हो ओडिशा रे आज जदि देखिबे प्रतिदिन जो भली भाव रे पिला चोरी टू आरंभ करी रेप टू आरंभ करी मर्डर होउची कोउटी ना कोउटी विधायक मानकर विजु जनता दल विधायक मानकर प्रछद पटरे हाथ रहुची। तो मते बोध मन होउची से माने जो नवीन निवास जाउचन्ती से मानकर पाप धोया पाई जाउचन्ती। बाकी रहिला प्रताप जेना को कथा। प्रताप जेना को आज गोटे सजेसन दे प्रताप जेना महांगा माटी रे जो भली भाव रे प्रतिदिन मर्डर होउची जो भली भाव रे सेठी करप्शन चली से सबुति रे कोउटी ना कोउटी प्रताप जेना को हाथ अछि। तो प्रताप जेना गोटे बड़ पापी बोध हुए ओडिशा विधानसभा रे केही नाथ। तो प्रताप जेना दिन को थरे अधे केत न जा नवीन निवास को जदि से मंदिर भावुंट दिन को सर्वनिम्न दस थर जातु एवं सेठे मुंडिया मारी आसतु हे प्रभु मोर जी पाप मु करुची मत क्षमा कर दिंतु। बोध हुए काले भगवान तुम क्षमा कर दे पारती किंतु एभली अभद्र मंतव्य विधायक मान ना से जो दल विधायक हूँ ना कहीं शोभा दिए ना। बाकी रहा भारतीय जनता पार्टी विधायक मैंने जो मैंने सेठाक जाते मत बोध हुए मन हुए ओडिशावासी का सन्द्या पर जाणी सारी जे जो भली भाव हाई प्रोफाइल ड्रामा चली विधायक मैंने विरोध करने को जाते ना बरजात्री हो जाते बोधे ओडिशावासी का जा सारी विजु जनता दल विधायक मैंने महिला मैंने सिंदूर टीका लगे कि रिसीव कर विधायक मैंने पचरे बॉडीगार्ड भाया जाऊँगी मुख्यमंत्री राज्य पटनायक कांग्रेस रो भूमिका कौन रही थिला जेभली भावरे विरोध प्रदर्शन करा जाउची बा जो कथा सामना को आसुची सेथिरे आपण कहउचंती काली गोटे महा ड्रामा सामना को आसिला कांग्रेस रो भूमिका कौन रही थिला चासी मानक प्रसंग कौन कांग्रेस रो प्रसंग नुह कांग्रेस रो भूमिका आज आपण कांग्रेस रो भूमिका राजरास्ता रे देखि थिबे कुलमणि बराळ जे कि कांग्रेस रो पूर्वतन ब्लॉक चेयरमैन थिले तांकु एबो तांकर सहयोगी कि जो भली भाव रे माने हत्या करा जायछि महांगा माटी रे महांगावासी ताकु क्षमा करिवे नाही एवं ओडिसा रे दिनु कु दिन जो भली भाव रे आमर बढ़ी बढ़ी चली क्राइम जो भली भाव रे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एटी दिनु कु दिन खराब होबा को बसैछि तार विरोध रे आज आम मंत्री प्रताप जेना घर बासभवन घर को जाइलु आज यूजुआल नवीन पट्टनायक पुलिस लगे आमको गिरफ्त करते कि आम एवं दाबी करुच्छ कांग्रेस पार्टी आज भी दाबी करपर्यंत कुलमणि बराल को न्याय न मिली जी मुख्य आसामी जोबले सीए डर फोन कर कुलमणि बराल पुह को कहते जे मोर जीवन प्रति विपद अच्छी मोर कौन प्रकार एथेर हाथ नहीं मुझे जी आधे संप्रक्त अच्छा मुस्त ना खोल को चाहती ठीक ता पर डेड बॉडी मिलू मंत्री प्रताप जेना जी संपर्क अच्छा जो गोडाउन अच्छी गाड़ी ताखर मिलू दुर्भाग्य सब घटना मंत्री प्रताप जेना तदंत परिसरभुक्त मैडम सोनाली साहू पाक आसपा चाहिए मैडम साहू पापर कथा सीए कहुची जहा विरोध रे संगीन दफा लगी वर्तमान सुधा तदंत परिसरभुक्त करा जाय नाही जे आईन मंत्री हेई आईन को निजो बाटरे चलाउछंती। मैडम प्रथम कथा ला
जे आमे को विषय रे डिस्कशन करूचे महांगा जो चारि जण को हत्या करा जाय छि से मर्डर विषय रे आमे आलोचना करूचे ना आईन मंत्री कर उक्ति मंतव्य ऊपर आलोचना करूचे जदी दुईटी जक ऊपर आलोचना करूचे मैडम ए दुईटी रो संपर्क एथि पई अछि जेहेतु पापर कथा सामना को आसी छि एवं महांगा मर्डर केस रे मंत्री को विरोध रे दफा लागि छि कोठी ना कोठी प्रसंग रे मंत्री प्रताप जेना को स्टेटमेंट जेति कि विवादियो तांको ऊपर जो दफा लागि छि तदंत परिषदभुक्त करा जाय नाही एवं से निजे पापरे थाई वर्तमान पाप ऊपर स्टेटमेंट दबा चर्चा रे विषय पलटी छि राज्य रे मैडम आपण को प्रश्न करू छन मु बुझु छी मु आपण को टिके बुझे दउ छी जे ए दुईटी जक प्रसंग होची तांकर उक्ति थिला बा तांकर जो कटुक्ति थिला ता भारतीय जनता पार्टी रो माननीय विधायक मानक पई थिला एके कुलमणि बराल आ दिव्यसिंह बराल ए दुई जन व्यक्ति मध्य भारतीय जनता पार्टी रे तेनुकर जेते बेले आपण आरंभ कले डिबेट सेते बेले प्रायोरिटी बेसिस रे भारतीय जनता पार्टी रो जे भी अछंती ताकु प्रथमे तांकर प्रत्युत्तर नपा कथा ये होची प्रोसीजर द्वितीय कथा हला जे जेते बेले आपण ए प्रसंग उठौचंती मु केवल गोटीए कथा कहबी जे विनाश काले विपरीत बुद्धि जेते बेले मणिसर समय खराब आसे सेंती बावळा चावळा हुए आ ए भली कथा मान से रखे द्वितीय कथा दी हला जे जो व्यक्ति पाप धोइबा कथा कहउचंती से एथरु गोटे कथा स्पष्ट जणा पड़ी गला जे बिजू जनता दल रे जो माने मंत्री अछंती जो माने विधायक अछंती तेबे से माने की पाप करिकि धोइबा को जाउचंती नवीन निवास को ये सबटा बड़ प्रश्न द्वितीय कथा हला जदी सेटा पाप धोइबार जगह आमको एया बुझिबा को पड़िबो हां लिंगराज को जमी नवीन निवास रे मध्ये किछि अछि तो ये मध्ये सूचौची ता अर्थ आईन विभाग रो मंत्री हिसाब रे से ताक दायित्व टी बुझी सारी छंती एवं कोठी ने कोठी परोक्ष रे नवीन बाबू को चेतै देले जे तम नवीन निवास ता जो करिछ नवीन निवास रे महाप्रभु लिंगराज को जमी अछि ए कथा से मंत्री हे कि मुख्यमंत्री को चैलेंज देले ए कथा को आपण बुझिबा दरकार मैडम आपण देखिथिबे मु डिबेट आरंभ कले जयनारायण मिश्रंकर बाइटरु तांकर प्रतिक्रियारु एवं मोर डिबेट सेउठु आरंभ हला केवल बीजेपी पई मंत्री प्रताप जेना गोटे प्रसंग नुहंती राज्य पई मंत्री प्रताप जेना प्रसंग कारण अनेक वर्तमान न्याय अपेक्षा रे अछंती आपण किभळी देखुछंती जिए पापरे संपृक्त अछंती बोली राज्यवासी अभिजोग आणुछंती केवल बीजेपी अभिजोग आणुनी जे मंत्री पापरे संपृक्त अछंती बोली महांगार लोकमाने मध्य ए बारंबार अभिजोग सामना को आनी चंती तो वर्तमान परिस्थिति रे तांकर कथा को दल मध्य खूब हल्का भाव रे ग्रहण करिनी कि जो विवादीय स्टेटमेंट से गतकाली देइचंती मैडम आपण जा क्वेश्चन एथे कर सब उडा पछेरि दियं तो मु मल्टीपल चॉइस रे आंसर दियंती मु कहू छी त सही कथा आपण त भितरे पछि के प्रश्न कले केनती हो मु स्पष्ट भाव रे कहली आपण बोधे राज ए जो पॉइंट टा को धरी पारिलेनी जे प्रताप जेना आईन मंत्री हिसाब रे बुझी सारी चंती जे नवीन बाबू होचनी महापापी कहीं नवीन निवास जो जमीटी अच्छी किसी अंश जमी अच्छी महाप्रभु लिंगराज को जमी से लिंगराज को जमी से घर कर नवीन निवास कर आईन मंत्री हिसाब से नवीन पटनायक को आह्वान देले चैलेंज देले जे ये होची सही जगह आपण से दृष्टि से देखु द्वितीय कथाटी है जे आईन श्रृंखला परिस्थिति ओडिसा रे विपर्यस्त प्रत्येक दिन सात जन महिला बलात्कार रो शिकार होउचंदी प्रत्येक दिन हत्या राहजानी धळा जहर युवक मानको एपटे बिजु युवा बहन तो बंद करियाला सेठी धळा जहर आज युवक पथभ्रष्ट होईची निशा कारबार रे माने लिप्त रहउची एथि पई दाई के आईन श्रृंखला परिस्थिति जदि ठीक थांता ताले महांगारे दिन दीपरे चार चारिटा मर्डर हेथांता कि आउ जो माने संपृक्त अछनी मु जति के जानि छी भलो रकम मैडम मैडम आपन को लागु छी वर्तमान परिस्थिति रे बीजेपी जति के प्रतिक्रिया रखु छी सेति के जथेष्ट बीजेपी रो पदयात्रा केते प्रभाव पकेई छी बीजेपी जति के आंदोलन करबा कथा जति के स्वर उठेबा कथा निजो दल रो कर्मी मरिछंती आपन को लागु छी सेति के जथेष्ट ना किछि दिन बयानबाजी परे किछि दिन रो नीरवता पुनी देखिया को मिलु छी आपन को लागु छी मैं नीरव छु बोली खरारे महांगारो पदयात्रा बाहरी कर्मकर्ता नेता समस्ते खरारे आमे माने समस्ते एसी रे बसुचे नेता कर्मकर्ता टू आरंभ करे समस्ते पदयात्रा रे बाहरी चंदी काली माने विधानसभा घेरो हो आपण कोचे माने चुप अछु मैडम बीजेपी 10 दिन समय देथिला ता परे चुप रहिला एवं ता परे नीरवता अवलंबन करबा नीरवता नहु कि काली रो प्रसंग प्रताप जेना को प्रसंग नथिला काली रो प्रसंग थिला चासी मान को प्रसंग
ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମହଙ୍ଗା କଥା କହିଲେ, ତାପରେ ଚାଷୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା ବିଜେପି, ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ମଣ୍ଡି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ? ଦଶ ଦିନର ସମୟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦଶ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ବିଧାନସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଗଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମହଙ୍ଗା ଇସ୍ୟୁରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଲକୁଲ ଚୁପ୍ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ହତ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରାଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଧୂ ଧୂ ଖରାରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଘେର କରିବା ପାଇଁ। ବିଧାନସଭା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜାଗା ଯୋଉଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଘଟଣାକୁ ନେଇକିରି ସେଇଠି ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦଶ ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ନିରବତା କାହିଁକି? ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ନୁହଁ? ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ନୁହଁ? ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆପଣ ମହଙ୍ଗା ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଣିଶୁଣି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରୁଛି, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ତମାମ କଥା କଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ ଅଛି, ନୀରବ ଅଛି, ଆଠୁ ଭଳି ବିଡମ୍ବନା କଥା ବୋଧ ହୁଏ କିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୀରବ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଯେ ଦଶ ଦିନର ସମୟ ଦେବା ପରେ, ଦଶ ଦିନର ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଉଠିବା କଥା ସେ ସମାନ ସ୍ୱର ଉଠିଲା ନାହିଁ, ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ଦଳ, ଏ କଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଥା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଇସ୍ୟୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଠାଇଲାନି, ଆଜିକି କରୋନା ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ଆସୁନାହାନ୍ତି। କରୋନା ଆଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନାଁରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ବିଧାନସଭା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାହା କାଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଲେ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବା ଯେଉଁ କଥା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏହି ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରକୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସେ ଇସ୍ୟୁ ଆମର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି କେସ୍ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଉପର ନେତାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଟି ଇସ୍ୟୁରେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କେମିତି କରିବେ? କେମିତି ଏମାନେ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବେ? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ସିଏ ବିଜେପି ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ କୌଣସି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। ଓଲଟା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଭାବୁଛି କିଏ? ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପାପର କଥା କହିବେ ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଲେ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ କହିବେ, ଇଏ ଏକ କଥା କଟାକ୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି କି? ଦୁଇ ମିନିଟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିରୋଧ କରିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବା ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ ହେବେ ନା ନାହିଁ ତା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପାପରେ ଭାଗି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମହଙ୍ଗା ମାଟିରେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ମର୍ଡର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ତାଙ୍କ ନାଁରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ
तदंत परिसरभुक्त करिनाई ताकू जदि नैतिकता दृष्टिरु सरकार इस्तफा देबाकु न कहिछि विरोध दल हिसाब रे आमर दायित्व आमे सरकार को चेतैबा जाए बारंबार विरोध प्रदर्शन करिवु एबे मध्य कहुछु जदि मंत्री प्रताप जेना ताको पदवीरु इस्तफा न दियंती किंबा सरकार तुरंत ताको पुलिस को निर्देश न दियंती मंत्री प्रताप जेना को तदंत परिसर उक्त करिया पाई आगामी दिन रे मंत्री टु आरंभ करी मुख्यमंत्री को मध्य आमे घेरौ करिवु किंतु दुखर विषय जड़े विरोधी दल हिसाब से जोबले भारतीय जनता पार्टी प्रति कार्यक्रम आगे कथार कहले गोटे कितु कार्य बड़े अलग होते भारतीय जनता पार्टी सब कार्यक्रम विजु जनता दल सरकार सहित मिसिकी कला भाई होते से ओवर कन्फिडेन्स क्राइम करने से मैंने क्या मानने के दुखर विषय विधायक मैंने नवीन निवास गले सेठारे विधानसभा बसला एटी मंत्री कहले पाप धोए को आसुचंती भारतीय जनता पार्टी विधायक मैंने दुख लगुची जे ओडिशा राजनीति की दुई जन गोटे कॉइन दुई पार्श्व भाया गरीब लोक मान ठकुचंती एवं ओडिशा रो जनसाधारण को भुआ बाण बुलाउचंती किंतु कांग्रेस पार्टी जने दायित्ववान विरोधी दल हिसाब रे राजरास्तरे लडुतिला मैडम सोनाली साहू राज्य पटनायक जेभले भाबरे कहथिले जे बीजेपी एवं बीजेडी मिसी जाइचंती कांग्रेस एकुटिया स्टैंड नउची प्रत्येक विरोध प्रदर्शन करबा पई बा विरोधी मुख्य विरोधी दल हिसाब रे स्टैंड क्लियर कांग्रेस रो रहउची कोन आपनकर प्रतिक्रिया रहइबो ए स्टेटमेंट उपरे देखंतु मैडम प्रथम कथा हला से जो भद्र व्यक्ति कांग्रेस रु बसछंती से को पदवी रे अछंती आ तांकर कथा बा तांकर स्टेटमेंट ता पार्टी रो ना नाही मु से बाबद रे माने जानी नाही। द्वितीय कथा हला कांग्रेस रो उपरे कोनोसी टिक्का टिपणी मु करबा को चाहू नाही कहै ना कांग्रेस जो बड़े दल थिले मैडम आपन भद्र महिला आपन नियाते जानी थिबे कांग्रेस हा गोटे इतिहास रो बही रे गोटे लेखा बा गोटे दल एंती थिला जाई छथि आगे आपन जने भद्र महिला आपण जने भद्र महिला आपण जानिछथि आपण को दल रे आपण को अस्तित्व कोन आपण देखंथु प्रथमे बुझिबा को पड़िबो जो व्यक्ति अछंदी से को पदवी रे अछंदी आ तांको स्टेटमेंट किछ नाही आपण को पखरे आगे आपण देबे कोन तांकर व्यक्तिगत कथा ना दल रो कथा तापर मु स्टेटमेंट देबी एटा उचित हबनी द्वितीय कथा युवा कांग्रेस रो राज्य उपसभापति अछि भुवनेश्वर विधायक प्रार्थी अछि मैडम सोनाली साहू मु तांकर डेजिग्नेशन कहि दउ छी जेहेतु से पैनलिस्ट अछंती उपसभापति युवा कांग्रेस रो रहिछंती ता पई से क्षमा प्रार्थना करिवार मैडम बधे आपण जानि पारु नाहि विधायक मानक पाखरे नुए समग्र 4.5 कोटी ओडिया राजनीति रे बहुत मुआ आछनि मैडम आपण जानि पारु नाहि आ द्वितीय कथा टी हला महंगा प्रसंग रे आमे बिल्कुल सक्रिय अछु कांग्रेस कोन कोटे थोर एंती तांकर कोन जाईथिले बोली मो पखरे खबर अछि कोन जे कि भेटीथिले किंतु तांको परिवार सहित एवं से अंचलवासी के सहित से अंचलवासी जो भयभीत एक अछथि अंचलवासी सहित भारतीय जनता पार्टी स्ट्रंगली सहित ठिया आ गत कालीर कथा पचारी मानक सहित आम थू अचु आगामी दिन में रहीबु जेपर्यंत चाषी समस्या समाधान ही ना से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सोनाली साहू बीजेपी नेत्री रही थे राजीव पटनायक रही थे उपसभापति युव कांग्रेस आम सहित सुब्रत नंद वरिष्ठ आईनजीवी रही थे लगातार भाव में आम आलोचना करूँ मर्डरर किए पापी किए ए कथा बा ए प्रसंग उठेबार तात्पर्य या जे जितेबले मंत्री प्रताप जेना विरोध में संगीन दफा लगी तीनटा मर्डर केस्र आंगुली तांको ऊपर को उठुची एवं सीए पापर कथा कहिबा कथा सैतान बेद पाठ भलिया मने हुए एवं याकु ने राज्य रे चर्चा याकु ने गृह रे मध्य चर्चा समय छि मंतव्य को इठ रखिबा मते विदाय दियंतु नमस्कार।